हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल लर्निंग विद निकेतन में स्वागत है और आपका डेली ऑडियो सेशन में भी स्वागत है। आज हम इसमें स्टार्ट करेंगे रिप्रोडक्शन ऑफ ब्रायोफाइटा, जो मैंने आपको प्रीवियस सेशन में बता दिया था, यानी कि हम आज ब्रायोफाइटा का जनन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ब्रायोफाइटा पादप जो हैं, यानी कि ब्रायोफाइटा पादपों में जनन कायिक तथा लैंगिक विधियों द्वारा होता है। मैं आपको पहले ही बता चुका था, क्योंकि इसमें सेक्सुअल जो है आपके वो पूरी तरीके से असेक्सुअल की बात करें वो इसमें अब्सेंट होता है, लेकिन उसके बिहाव पर अगर हम बात करें इसमें आपके टू टाइप्स का रिप्रोडक्शन होता है, जो मैं आपको बता दिया था, कायिक जनन, ठीक है, और उसके साथ साथ आपके लैंगिक जनन। अब हम बात करते हैं इसके डिटेल में। तो कायिक जनन जो है आपके उस वो आपको पता है हर बार की तरह, कायिक जनन जो है ब्रायोफाइटा सदस्यों में इसकी प्रमुख विधि है, यानी कि एक बहुत ज़्यादा मेन पार्ट्स है। और कायिक जनन भी कई विधियों द्वारा होता है, जिसमें विखंडन है, जिसे फ्रेगमेंटेशन कहते हैं, गैमा है, कंद है, ट्यूबर, और आपके पत्र प्रकलिकाएँ हैं, बल्बिल्स, पुतंतु हैं, प्रोटोनीमा, अपस्थानिक शाखाएँ हैं, यानी कि एडवेंटियस ब्रांचेस। लेकिन लैंगिक जनन की बात करें तो ब्रायोफाइटा में, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ब्रायोफाइटा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उगैमस प्रकार का होता है। जननांग सीधे सुकाय यानी कि थैलस पर या थैलस से उत्पन्न विशिष्ट शाखाओं पर उत्पन्न होते हैं। नर जननांग पुंधानी एंथ्रिडियम कहलाता है, वहीं मादा जननांग आर्चिगोनियम कहलाते हैं। तो पुंधानी की अगर हम बात करें, पुंधानी में आधारी बहुकोशिकीय व्रंथ, स्टॉक तथा शीर्षस्थ गोल या बेलानकार काय बॉडी होती है, और काय में एक स्त्रीय बंद्र आवरण जैकेट लेयर असंख्य पुंजनक कोशिकाओं को परिभद्र किए रहता है। पुंजनक कोशिकाएं एंड्रोलॉजिकल सेल से पुंग कोशिकाएं एंड्रोसिस्ट बनती हैं, जो कायांतरण द्वारा सर्पिल, कुंडलित, द्विकाश्विक, नर युग्मको यानी मेल गैमिट्स या पुम्बड़ू एंथ्रीजॉइट्स का निर्माण करती हैं, और ये पुम्बड़ू ये पुंधानी के स्फुटन से मुक्त होते हैं। वहीं अगर हम बात करें स्त्रीधानी की, तो स्त्रीधानी फ्लास्क के आकार की सवृंत या अवृंत संरचना होती है, जिसका आधारी भाग जो होता है फूला हुआ होता है, अंडदा जिसे कहते हैं, वेंटर जिसे कहते हैं, और जो ऊपर का भाग होता है वो सकरा होगा, नली की तरह, एक ट्यूब की तरह, जिसे ग्रीवा नेक कहते हैं। स्त्रीधानी भंद्रग्रीवा जैकेट नीक में एक स्त्रीय तथा अंडदा भाग में एक या बहुस्त्रीय होती है। अंडदा के आधार में गोल व अचल अंड पाए जाते हैं, एग पाए जाते हैं। तो निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन जल की उपस्थिति में भी संभव होता है। पुम्बड़ू तथा अंड के संयोजन से द्विगुणित युग्मज यानी डिप्लॉयड जायगोट बनता है, जिसे निक्षतिकांड ऊस्पोर्स भी कहते हैं, और इस वर्ग या इसी क्लास के निक्षतिकांड ऊस्पोर्स अंकुरित होकर बीजाणुभिद का निर्माण करता है, और बीजाणुभिद सामर्थ्य तीन भागों फुट यानी पाद, सीटा तथा संपुट कैप्सूल में विभक्त होता है, जैसे मार्केशिया है, परंतु रिक्सिकिया में पाद तथा सीटा का अभाव होता है। ओके, अब हम थोड़ा सा इसका वर्गीकरण देख लेना कि किसने इसका वर्गीकरण किया है, कौन से साइंटिस्ट थे, है ना, जिसे क्लासिफिकेशन कह रहे हैं। तो ब्रायोफाइट्स का समूह को हॉवे 1899 यानी 1899 ने सर्वप्रथम तीन वर्गों में बांटा, और इस वर्गीकरण का समर्थन कई वैज्ञानिकों ने किया, जिसमें कुछ थे आपके, मैं आपको बता दे रहा हूँ, कैम्बेल 1940, स्मिथ 1953, वाडला 1955, 1962 आदि ने किया। पादप नामकरण की अंतर्राष्ट्रीय संहिता यानी कि इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमनक्लेचर, जिसे ICBN भी शॉर्ट्स में कहते हैं, का अनुसरण करते हुए ब्रायोफाइटा एंथोसिरोटॉप्सिडा तथा ब्रायोप्सिडा वर्गों में वर्गीकृत किया, जिसकी रूपरेखा निम्नानुसार है। ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आने वाले तीन वर्गों में निम्न अंतर पाए जाते हैं, जिसके आपके कौन कौन से वर्ग हैं, वो हिपेटिकॉप्सिडा, एंथोसिरोप्सिडा, ब्रायोप्सिडा। मैं इसमें आपको कुछ मेन पॉइंट बता दे रहा हूँ। देखिए, हिपेटिकॉप्सिडा जो है इस वर्ग में क्या होगा, इस वर्ग के पादपों में सामान्यतः लिवरवर्ट्स भी कहते हैं, हम लाइवरवर्ट्स भी कहते हैं, और एंथेरोसिरोटॉप्सिडा को हम हॉर्नवर्ट्स कहते हैं, और ब्रायोप्सिडा को हम मॉस कहते हैं, ठीक है। अब जो हिपेटिकॉप्सिडा है, ये पादप हरे होंगे, चपटे होंगे, सूखा यानी थैलॉइड होंगे, पाड़ेल होंगे, पृष्ठधारी होंगे, लेकिन कभी कभी पादप जड़ तना पत्ती में विभेदित होता है, और पर्ण में मध्य शिरा का अभाव होता है। वहीं अगर मैं बात करूं एंथेरोसिरोटॉप्सिडा की, तो ये पादप शरीर सूखाए तथा हरे चपटे पृष्ठधारी होते हैं। वहीं ब्रायोप्सिडा की बात करूं,
तो पादप शरीर सदैव परिणील प्रकार का होता है तथा ऊर्ध्व होता है, मध्य शिरा पाई जाती है, यह आधहरी तंतुमय रचना होती है। अब हम बात करेंगे हिपेटिकॉप्सिडा जो है, हिपेटिकॉप्सिडा में एक कोशिकीय तथा अशागित प्रकार के मूलाभास पाए जाते हैं। ये स्मूथ वॉल्व व ट्यूबेकुलेटेड दो प्रकार के होते हैं और सुकाय के निचली सतह पर पाए जाते हैं। लेकिन हॉर्नवर्ट्स यानी कि एंथेरोसेरोटॉप्सिडा की बात करूँ तो इसमें मूलाभास एक कोशिकीय तथा अशागित होते हैं तथा ये सपाट भित्ति स्मूथ वॉल्व वाले होते हैं। वहीं ब्रायोप्सिडा की अगर मैं बात करूं तो ब्रायोप्सिडा में मूलाभास बहुकोशिकीय एक पंक्तिक व शाखित होते हैं, इनमें अनुप्रस्थ पट तिरछे होते हैं। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल देख ले रहे हैं। जो आपके हिपेटिकॉप्सिडा है ये प्रत्येक कोशिका में अनेक हरित लवक होते हैं, स्तंभिका का इनमें हबाव होता है, जिसके उदाहरण है रिक्सिया, मार्केशिया। और एंथेरोसेरोटॉप्सिडा की मैं बात करूँ जिसे हॉर्नवॉर्ट्स भी कहते हैं, इसमें स्तंभिका उपस्थित होती है और प्रत्येक कोशिका में दो हरित लवक तथा पायरिनोइड्स भी होते हैं, जिसके उदाहरण है एंथेरिसोसिस, नोटोथॉयलस। ब्रायोप्सिडा की मैं बात करूं इसमें स्तंभिका उपस्थित होती है जिसका उदाहरण है फिनोरिया। ओके, आई होप यहां तक आपको बेसिक समझ में आया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं, अब हम देखेंगे आपके रिक्सिया, जो मैंने आपको बताया था अभी बीजाणुभित जो है इसका एक एग्जाम्पल है रिक्सिया। ठीक है, रिक्सिया देख ले रहे हैं हम। सबसे पहले उसका क्लासिफिकेशन देखेंगे, तो रिक्सिया का जो क्लासिफिकेशन है यानी वर्गीकरण जिसे कह रहे हैं। ठीक है, देखिए मैंने आपको एक एक बेसिक बता दे रहा हूँ, क्योंकि जब तक आपको क्लासिफिकेशन आप ट्राई करेंगे लर्न करेंगे तभी आपको हो पाएगा, इसीलिए मैं एक एक बता के ही चल रहा हूँ। जैसे प्रीवियस जो ऑडियो सेशन थे उसमें भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, अब हम इसमें भी आपको एक लेके चल रहे हैं, मैंने आपको एल्गी का एक एग्जाम्पल बता दिया था और यहाँ भी मैं आपको एक लेके चल रहा हूँ। जैसे वहाँ मैंने आपको यूलोथ्रिक्स पढ़ाया था, अब यहाँ मैं आपको रिक्सिया पढ़ा दे रहा हूँ। तो देखिए संघ क्या है इसका, यानी कि जिसे हम फाइलम कहते हैं ब्रायोफाइटा। वर्ग यानी क्लास क्या है इसकी, हिपेटिकॉप्सिडा, अभी मैंने एग्जांपल दिया था। गढ़ क्या है इसका, गढ़ यानी ऑर्डर क्या है इसका, मार्केशिलेंस। ठीक है, जिसे मार्केशिलेंस भी कहते हैं। कुल की मैं बात करूँ जिसे फैमिली कहते हैं रिक्सेसी, और वंश क्या है इसका, रिक्सिया। अब हम बात करेंगे इसका प्राप्ति स्थान यानी अक्यूरेंस प्लेस या पाई कहाँ जाती है। तो एफ ए फ्रिक्सी वैज्ञानिक थे जिन्होंने सर्वप्रथम रिक्सिया की खोज की थी और यह प्राय नम गीली मिट्टी पर उगने वाला पौधा है। इसकी कुछ जलीय जातियाँ भी पाई जाती हैं जैसे रिकोकार्पस, नेटॉन्स व रिक्सिया फ्लूटेंस। अब हम इसकी संरचना की बात करेंगे यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ रिक्सिया या स्ट्रक्चर ऑफ रिक्सिया यानी कि रिक्सिया की संरचना। तो रिक्सिया का जो मुख्य पादप है ये युग्मोद्भिद है, थैलॉइड होता है, ये छोटा हरा द्विपृष्ठधारी व द्विभाजी शाखित होता है। इसका सुकाय आधार से एक कोशिकीय शाखा रहित मूलाभासा द्वारा चिपका रहता है। मूलाभास भी इसमें दो प्रकार के होते हैं, मूलाभास मतलब राइजोइड जिसे कहते हैं, चिकनी भित्ति युक्त मूलाभास यानी स्मूथ वॉल्ड राइजोइड, और गुलिकीय मूलाभास यानी कि ट्यूबरकुलोटेड राइजोइड। तो ये जल तथा खनिज लवणों के अवशोषण में सहायक होते हैं। रिक्सिया की निचली सतह पर बहुकोशिकीय बैंगनी रंग के शल्क पाए जाते हैं यानी स्केल्स पाए जाते हैं, और रिक्सिया के सुकाय की आंतरिक संरचना में दो क्षेत्र स्पष्ट होते हैं, प्रकाश संश्लेषी क्षेत्र यानी कि फोटोसिंथेटिक रीजन, संग्रह क्षेत्र जिसे स्टोरेज रीजन कहते हैं। अब हम बात करेंगे इसकी लाइफ साइकिल की यानी जीवन चक्र की। तो रिक्सिया में जो अगर हम लाइफ साइकिल की बात करें यानी जनन की बात होंगी, तो जनन इसमें दो प्रकार से होगा, कायिक व लैंगिक। तो कायिक आपको पता ही है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जिसमें क्या होता है कायिक जनन में सुकाय की मृत्यु यानी कि थैलॉइड जो है उनकी मृत्यु व छह से मर जाने से या पूरी तरीके से छह से बीमारी से तथा अपस्थानिक शाखाओं द्वारा होता है। लेकिन लैंगिक जनन की बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो रिक्सिया की अधिकांश जातियाँ उभयलिंगाश्री होती हैं, इनमें लैंगिक जनन विषमयुग्मी यानी उगेमस प्रकार का होता है। इनके नर जनन अंग पुंधानी एंथ्रीडियम तथा मादा जनन अंग स्त्रीधानी आर्चिगोनियम होते हैं। पुंधानी द्विकाशी पुम्बड़ू बाईफ्लेजेटेड एंथ्रीओइड्स उत्पन्न करती है। स्त्रीधानी फ्लास्क के समान होती है, यह ग्रीवा व अंडदा वेंटर की बनी होती है। ग्रीवा की संरचनात्मक जैकेट में छः अनुदैर्ध्य पंक्तियों में ग्रीवा कोशिकाएं यानी नेक्सेल्स भी लगी होती हैं, और ग्रीवा में चार ग्रीवा नाल कोशिकाएं पाई जाती हैं।
अंडदा में एक अंडदा नाल कोशिका यानी वेंटर कैनाल सेल तथा अंड कोशिका एग सेल्स होती है। इनमें जो निषेचन है यानी फर्टिलाइजेशन है वो जल की उपस्थिति में होगा। पुम्बड़ु व अंड कोशिका के संयोजन से द्विगुणित युग्मन जिसे जायगोट कहते हैं जायगोट का निर्माण होता है और इसके चारों ओर भित्ति बन जाने से ये संरचना निक्षतिकांड यानी कि ऊ स्पोर्स कहलाती है और युग्मजनज से बीजाणुभित स्पोरोफाइट अवस्था प्रारंभ होती है। रिक्सिया में बीजाणुभित केवल संपुटिका का बना होता है। संपुटिका की कोशिकाओं में परिणित विभाजन पेरिक्लाइनल डिवीजन से ब्राह्म एपिथीसीलियम यानी कि एम्पिथीसियम जो है वो आंतरिक एंडोथीसियम का निर्माण करता है, यानी कि जो बाहर का जो एम्पिथीसियम होगा वो आंतरिक यानी कि अंदर के एंडोथीसियम जो एंडोथीसियम है उसका निर्माण करेगा और जो एंडोथीसियम है उसकी जो कोशिकाएं हैं उसकी जो सेल्स हैं वो विभेदित होकर आपके प्राप्त सूतक यानी उसे इंग्लिश में कहते हैं आर्चिस्पोरियम का निर्माण करती हैं जो बीजाणु मात्र कोशिका को जन्म देती हैं यानी कि मैटरनल सेल्स को, है ना, या आप कह सकते हैं मदर सेल्स को जन्म देती हैं। बीजाणु मात्र कोशिकाएँ स्पोर मदर सेल्स मियोसिस के द्वारा यानी कि अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा विभाजित होकर बीजाणुओं स्पोर्स का निर्माण करती हैं। इनमें से कुछ कोशिकाएं विकासशील बीजाणुओं को भोजन प्रदान करती हैं जिन्हें नर्स कोशिकाएं नर्स सेल्स भी कहते हैं। रिक्सिया में संपुटिका का स्फुटन ऊतकों के नष्ट होने से होता है जिससे बीजाणु स्वतंत्र होकर नए सूकाय का निर्माण करता है, नए थैलॉइड्स का निर्माण करता है। तो ये था आपके रिक्सिया, जिसमें मैंने आपको रिक्सिया का क्लासिफिकेशन, अक्यूरेंस प्लेस, स्ट्रक्चर, लाइफ साइकिल और रिप्रोडक्शन बताया, यानी कि रिक्सिया का मैंने आपको वर्गीकरण, प्राप्ति स्थान, संरचना और जीवन चक्र बताया। आई होप आपने पढ़ लिया होगा, तो सुनने में आपको मे बी 50% तो समझ में आ रहा होगा। देखिए, जब तक आप बुक नहीं पढ़ेंगे समझ नहीं आएगा। एक बार ये तो ऑडियो बेस्ड मैंने सेशन बनाया है कि जब आप फ्री हो रहे हैं तो जस्ट ईयरफोन लगाइए और आराम से सुन लीजिए, जिससे चीज़ें थोड़ी सी रिव्यू कर सकें, आप रीबैक कर सकें, उनके कीप इन टच में रहें। तो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए और उसके साथ साथ आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, क्योंकि वहाँ डेली मैं 4 PM पर लाइव क्विज कराता हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है और अपने आपको देख सकते हैं कि कहाँ आप स्टैंड कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कल मुझे क्विज कराना है तो मैं उसका टॉपिक आज दे देता हूँ, आपको पूरा एक दिन मिलता है, आप टॉपिक प्रिपेयर करिए और उसके बाद आप PYQ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं आपके जो डिफरेंट बायोलॉजी एग्जाम्स में आए हैं TGT PGT GIC DSSB, ठीक है, उनको पूछा जाता है, तो जिससे आप अपने स्टैंडर्ड को भी पता कर सकते हैं कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, थिंक्स फॉर लिसनिंग दैट ऑडियो सेशन, ओके, आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि मेरी जब भी न्यू वीडियो आएंगी आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा और आप मेरी सभी वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे।